हेलो गाइस, ब्यूटीफुल प्लीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप कौन से वेजिटेबल्स को, कौन सी सब्जियों को आप क्या करें जो कि आप एक महीने तक भी अगर फ्रिज में स्टोर करना चाहें तो आप उसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। जैसा कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, ऐसे में जरूरी ये है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो सब्जी है, रोटी है, खाने की सभी को जरूरत है। तो बेटर रहेगा कि आप सब्जी को घर में इस तरह से स्टोर कर ले जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये पालक है जिसे मैंने अभी वॉश कर लिया है, पानी में आधा घंटा भिगो के रखा था, बहुत अच्छे से वॉश किया है मैंने इसे। अब मैं इसे कुकर में 2 से 3 विसल करवा दूंगी और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें देसी घी डाला है। आप कोई भी ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें 2 से 3 विसल्स आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं पालक को आप चाहे तो ग्राइंड कर लें या आप इसे एज इट इज ही बॉल में डाल के ठंडा कर लें और इसे आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये 1 महीने तक भी खराब नहीं होगी। आप आलू पालक, पनीर पालक कुछ भी बना सकते हैं बाद में। ये मशरूम है जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसे मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया था। फ्रेंड्स, ये 2 पैकेट मशरूम है। मैं अब इसमें नमक डालूंगी, 1 टीस्पून नमक है ये, और हल्दी भी उतनी ही 1 टीस्पून ही डाली है मैंने। इसे मैं सिर्फ 6 से 7 मिनट तक बॉईल करूंगी। जस्ट 1 से 2 उबाला जब इसमें आ जाएगा तो मैं इसे छान दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये छानने के बाद जो है ये इस तरह से हो गया। अब ये ठंडे कर कर मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर सकती हूँ और आप मटर मशरूम कुछ भी बना सकते हैं इसे। ये फ्रेंड्स भरते वाले बैंगन है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे धोकर अच्छे से इस पर ऑयल लगा लिया है। अब मैं इसे गैस पर रख के भून लूंगी और भुनने के बाद में इसे अच्छे से क्लीन करके अच्छे से मैं इसे एक बॉल में रख दूंगी। इसे भी आप रख सकते हैं फ्रीज में 1 महीने तक, ये तब भी खराब नहीं होंगे, गारंटी है इस चीज की। फ्रेंड्स, ये है करेले। इसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे मैं छीलूंगी नहीं, इसे मैं एज इट इज ही गोल गोल कट कर दूंगी। और कढ़ाई में मैंने ऑलरेडी ऑयल डाल दिया था तो मैं इसे सिर्फ इसमें फ्राई करूंगी। आई थिंक इसे 15 से 20 मिनट ही फ्राई करने वाली हूँ। बस इसमें मुझे नमक डालना है, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसे अब मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये फ्राई हो चुके हैं। ये 1 किलो करेले थे जिसे कि आप बहुत अच्छे से 2 से 3 बार बना सकते हैं। तो मैं इसे फ्रीज में स्टोर कर दूंगी, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, गारंटी है इस चीज की। तो फ्रेंड्स, आपके पास मटर हमेशा अवेलेबल होने चाहिए ताकि आप आलू मटर, मटर पनीर, मशरूम मटर कुछ भी बना सकते हैं। न्यूट्रेला आपके पास होना चाहिए ताकि आप मटर न्यूट्रेला, लाइक जिसे हम सोया चंक्स भी बोलते हैं, पनीर भी आपके पास हमेशा रहना चाहिए, जैसे आप मटर पनीर भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।